अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की भुंजिया। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, और जिसे करेला नहीं पसंद है उन्हें भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया हमने आधा केजी करेला, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको 2 से 2 करके पतला पतले स्लाइस में काट लेंगे। इसी तरह हम सारे करेलों को काट लेंगे। यहाँ पे ये हमने एक बड़ा बर्तन, इसमें डाल देंगे कटे हुए करेले। शामिल करेंगे 2 चम्मच नमक। करेले में शामिल कर देंगे 1 लीटर पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधे घंटे के बाद करेले को अच्छे से मसल लेंगे। नमक के पानी में करेले को रखने से करेले का कड़वापन कम हो जाता है। अब इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। गैस पे हमने रख दी कढ़ाई, गैस ऑन कर दी है। शामिल करेंगे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल गरम हो गया है, शामिल करेंगे कटे हुए करेले। शामिल करेंगे 4 फूटी कटी हुई प्याज। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए करेले को 10 मिनट पका लेंगे। 10 मिनट के बाद शामिल करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर करेले को लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। करेला देखिए लाइट ब्राउन हो गया है, भुंजिया हमारी तैयार हो गई है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। करेले की भुंजिया को हम किनारे कर देंगे और कढ़ाइया को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे ताकि इसका तेल सेपरेट हो जाए। ऐसा करने से सब्जियों से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है ऑयल को हम बॉल में निकाल लेंगे। करेले की भुंजिया को हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लज्जतदार हमारी करेले की भुंजिया बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही बेहतरीन करेले की भुंजिया। ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।